A very warm welcome to all of you. I am Neeru. आज इस वीडियो में हम जिस चीज की जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है कि किस तरह से हमारा जो बिलीफ सिस्टम है वो बनता है, किस तरह से हमारे जो बिहेवियर पैटर्न्स हैं वो डेवलप होते हैं और हम एक ऑटो पायलट मोड पर किस तरह हमारी लाइफ चलती रहती है जब तक हम ये ध्यान से ना देखें कि हम कौन हैं और हम किन चीजों में विश्वास रखते हैं। ये जो हमारी प्रणाली है इसको हम किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं और अपनी पावर में आ सकते हैं। बिकॉज वी ऑल नो वी आर पावरफुल सोल। हम हमारी जहां से उत्पत्ति हुई है सोर्स से, उसको आप गॉड सोर्स बोलें, उसको आप यूनिवर्सल सोर्स बोलें, आप जो भी उसको नाम दे सकते हैं। अगर हम इसको एक उदाहरण से देखें तो जिस तरह से एक समुद्र ओशन जो पता नहीं कितनी असंख्य पानी की बूंदों से मिलकर बना है, लेकिन जब वो एक साथ है, जब वो समुद्र में है तो वो भव्य है, वो यूनिटी में है, वो शक्तिशाली है और वो संपूर्ण है क्योंकि वो अपनी वननेस में है और इट्स इनसेपरेबल, राइट। लेकिन जब उसकी कुछ जो लहरें हैं वो शीशोर पर आकर बिखर जाती हैं और उनका जो एक छोटी 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 बूंदें जो बचती हैं वहां पर, उनका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। उसी तरह जब ह्यूमन कॉन्शियसनेस से, बिकॉज आज हम सिर्फ बात करेंगे, वैसे तो इस यूनिवर्स में यू नो देर आर सो मेनी थिंग्स अस ह्यूमन, यू नो द प्लांट किंगडम, द एनिमल किंगडम, सो मेनी थिंग्स, राइट, बट इन दिस वीडियो पर्टिकुलरली वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन कॉन्शियसनेस। तो जब एक इंसान ने अपनी फ्री विल का इस्तेमाल करते हुए अपनी जर्नी को खुद एक्सपीरियंस करने की इच्छा रखी तो वो अपने सोर्स से अलग हुआ क्योंकि उसको कुछ एक्सपीरियंस अपने लेवल पर करने थे। और जैसा कि मैंने बोला कि जब बूंद, एक पानी की बूंद जो एक सागर से अलग हो जाती है तो उसको अपनी एग्जिस्टेंस के लिए, उसको अपनी जीवित रहने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। एक सोर्स से जब इतनी सारी बूंदें, इतनी सारी ह्यूमन सोल्स इनकार्नेट अलग हुई तो अब वहां पर एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट आ गया क्योंकि सबको सर्वाइव करना था उस वर्ल्ड में, वर्ल्ड ऑफ देयर ओन चॉइस। हमें सीखना था कि किस तरह से यहाँ पर हमें एक दूसरे से बेटर बनना है, सर्वाइव करने के लिए हमें कोएग्जिस्ट करना है, किस तरह से कंपटीशन में रहना है। एंड वी स्टार्टेड लर्निंग आर ओन वेज, हाउ टू रिजेक्ट अदर्स, मैनिपुलेट अदर्स एंड हाउ टू एडजस्ट, यू नो, टू सर्वाइव। तो एक तरह से हमारी जो कॉन्शियसनेस थी वहां पर चेंज आया एंड दैट चेंज वॉज नॉट गुड क्योंकि इस सर्वाइव, इस जो सिचुएशन में हम खुद से दूर हो गए। अगर लैब में हम एक पानी की बूंद की यू नो माइक्रोस्कोपिक जांच कराएं तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो और एक समुद्र के पानी का स्ट्रक्चर सेम है। इसी तरह हर एक ह्यूमन अपने आप में संपूर्ण है क्योंकि वो उसकी जो सोर्स है वहां पर जो भी है मैक्रोकॉस्मिक, राइट, उसकी हर चीज एक इंडिविजुअल में मौजूद है जिसे हम डिवाइन फ्रेगमेंट बोलते हैं। और जिस तरह से एक मृग अपनी कस्तूरी नाभि में लेते हुए भी उसकी खुशबू से परेशान रहता है और वो चारों तरफ उसको ढूंढता है, इसी तरह
हम अपनी डिवाइन फ्रेगमेंट से डिटैच हो गए, क्योंकि हम किस लिए डिटैच हुए, क्योंकि हम बाहर स्ट्रगल कर रहे थे सर्वाइवल के लिए। और वहां पर हमने जो भी एक्सपीरियंस किया, फॉर एग्जांपल अगर हमने कुछ ऐसा किया जहां हमें सक्सेस नहीं मिल रही, कोई हम ऐसा काम कर रहे थे जिसमें हमें सक्सेस नहीं मिल रही थी, एक बार ट्राई किया, दो बार ट्राई किया, तीन बार ट्राई किया और जब हमें सक्सेस नहीं मिली तो हमारा एक बिलीफ सिस्टम बन गया, क्योंकि वो एक्सपीरियंस था। क्या बिलीफ सिस्टम बन गया कि आई कैन नॉट बी सक्सेसफुल, या फियर ऑफ फेलियर। तो नेक्स्ट टाइम व्हेन वी ऑपरेट एनीथिंग, वी ऑपरेट फ्रॉम दैट स्पॉट बाय फियर ऑफ फेलियर एंड देन वी गो इन दैट ऑटोमोटिव मोड। इसी तरह बहुत सारे बिलीव्स, स्ट्रगल कब करते हैं, कंपटीशन कब करते हैं, जब हम सोचते हैं कि हमें दूसरे से बेहतर होना है कुछ पाने के लिए, राइट? वी डोंट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ अबंडेंस फॉर एवरीबॉडी। अगर हमें कहीं कभी भी कुछ इस तरह के रिलेशनशिप्स मिले, क्योंकि एवरीबॉडी वॉज स्ट्रगलिंग, एवरीबॉडी लॉस्ट देयर पावर, एवरीबॉडी लॉस्ट देयर एसेंस, तो ये स्ट्रगल सबके लिए थी। और उन चीजों को जो हमारे अंदर थी, लव, पीस, हार्मनी, अबंडेंस, जब हम उनसे दूर हुए तो ये चीजें हमने बाहर ढूंढनी शुरू की। अगर हमें कुछ इस तरह की रिलेशनशिप्स मिली जहाँ पर हमें रिजेक्शन मिला, जहाँ पर हमें सम्मान नहीं मिला, जहाँ पर हमें प्यार नहीं मिला, तो अब ये हमारा बिलीफ सिस्टम बन गया दैट आई विल बी रिजेक्टेड, नोबडी लव्स मी, अनवर्थीनेस। और इसी तरह जो भी एक्सपीरियंसेस थे वो एक बिलीफ सिस्टम्स के रूप में हमारे अंदर जमा होने लगे। और ये कहाँ पर ये जो मेमोरीज हैं वो कहाँ पर होती हैं स्टोर? हमारे चक्रा सिस्टम में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, हमारे कॉन्शियस माइंड में, हमारे डीएनए में। इनफैक्ट ईच एंड एवरी सेल ऑफ आर बीइंग हैज मेमोरी ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस। अब क्योंकि हम इतना बाहर हैं अपने अपने आप से कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम किन बिलीफ सिस्टम को लेकर घूम रहे हैं। अगर मेरे अंदर ये बिलीफ सिस्टम है कि देर आर नॉट इनफ जॉब्स फॉर एवरीवन, रिसेंटली जब ये एक पैंडमिक हुआ उसमें काफी जॉब्स जो हैं वो गई हैं, हमने काफी सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया है और अभी भी बहुत सारे लोग इन चीजों से नहीं उभर पाए हैं, क्योंकि वो मेमोरीज अंदर हैं कि सबके लिए काफी नहीं है, अगर एक की नौकरी छूटेगी तभी दूसरे को मिलेगी। तो ये एक स्ट्रगल पावर शुरू हो गई एंड ये तो बहुत ही रिसेंट एग्जाम्पल है, बट इट इज हैपनिंग सिंस लॉन्ग, क्योंकि हमारी सोल की जो जर्नी है वो बहुत सारे जन्मों से, जब से हम अपनी सोच से अलग हुए हैं, लाइफ आफ्टर लाइफ वी आर एक्सपीरियंसिंग द सेम। और ये सारी चीजें जो जिसको हम डिवाइन फ्रेगमेंट कहते हैं, जिसको हम गॉड कॉन्शियसनेस कहते हैं, हमारे अंदर जो लव वाइब्रेशन है, जो कंपैशन है, जो काइंडनेस है, जो नर्चरिंग है, जो अबंडेंस कॉन्शियसनेस है सोर्स की, हम क्योंकि उसके साथ कनेक्टेड नहीं हैं तो हम उन चीजों को किस तरह से ढूंढ रहे हैं? मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हमें ऐसा लगता है कि अगर हम कुछ बहुत सारी मटेरियलिस्टिक चीजें कमा लेंगे अपनी लाइफ में, कुछ इस तरह के रिश्ते होंगे जिनके ऊपर हम इमोशनली डिपेंडेंट हो पाएंगे, कुछ अच्छी जॉब्स के रूप में, वॉट एवर वी कैन, इन सेंशुअल प्लेजर्स, इन सेक्सुअल प्लेजर्स, वो जो सेटिस्फैक्शन और खुशी हम बाहर ढूंढ रहे हैं,
यही वजह है कि वो नहीं मिल पा रही है, क्योंकि हम वहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हैं, हम वहाँ पर कंपटीशन में हैं, हम वहाँ पर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के मोड में हैं, हम वहाँ पर जो हमारी पूर्णता है उसमें हम अपनी वननेस में बिलीव नहीं है वो हमारे अंदर, वो बिलीव सिस्टम हम खो चुके हैं या उससे दूर हो चुके हैं, क्योंकि हम उसको खो कभी नहीं सकते। जो ये एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, जहाँ पर इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी है, हर पल की जो भी घटना है या जो भी चीज़ें हो रही हैं, उसकी मेमोरी है फ्रॉम द टाइम ऑफ क्रिएशन टिल नाउ, और जो भी कुछ होता रहता है वो एक मेमोरी के रूप में वहाँ पर स्टोर होता रहता है। उसी तरह एवरी इंडिविजुअल इज अ माइक्रो यूनिवर्स, और हमारी जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं वो हमारे इस माइक्रो कंप्यूटर में, हमारे इस चक्रास में, हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड है, अनकॉन्शियस माइंड है, हमारे ईच एंड एवरी सेल में स्टोर हो रहा है। तो हम इस मैक्रो यूनिवर्स के साथ किस फ्रिक्वेंसी पर कनेक्ट करते हैं? जो फ्रिक्वेंसी हमारे अंदर है। अगर हमारे अंदर ये बिलीव सिस्टम है कि मुझे अच्छे रिलेशनशिप नहीं मिलते, आई फील रिजेक्टेड, आई एम अनवर्दी, आई लिव इन पॉवर्टी, तो वो सेम फ्रिक्वेंसी की चीज़ें हम मैक्रो जो यूनिवर्स है वहाँ से अट्रैक्ट करते रहेंगे, उसके रेजोनेंस में रहेंगे। और ये ऑटोमोटिव मोड पर क्यों चलता है? क्योंकि हम इसके साथ कनेक्टेड ही नहीं हैं कि हमारी क्या रियलिटी है, हमारे बिलीव सिस्टम क्या हैं। ये जो मेमोरीज हैं, जैसे मैंने बोला कि ये किसी एक लाइफ टाइम की मेमोरीज नहीं हैं। कई बार अगर आप अपने साथ कनेक्ट करना शुरू करेंगे, देन यू विल बी शॉक्ड टू नो योरसेल्फ कि ये चीज़ें तो मुझे मालूम ही नहीं थी कि मेरे अंदर कैसे हैं। जो भी आपके पास लाइफ के एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जो भी आप जिस फैमिली में भी आप जन्म लेते हैं, जो वहां से डीएनए के थ्रू आप जो ट्रेट्स इनहेरिट करते हैं, वो सब आपकी लाइफ को गवर्न करते हैं, चलाते हैं। तो कॉन्शियस लेवल पे आप कितना भी स्ट्रगल करते रहें, जब तक आप एक अपने हायर पर्सपेक्टिव के साथ, अपने साथ नहीं कनेक्ट होंगे, उन चीजों को नहीं देखेंगे, आपकी लाइफ चेंज नहीं हो सकती। एंड दैट्स द स्ट्रगल वी आर गोइंग थ्रू लाइफ आफ्टर लाइफ। और इस सेपरेशन कॉन्शियसनेस ने हमें वीक कर दिया। जो हम 3D कॉन्शियसनेस की बात करते हैं वो क्या है, जहां हम ये मानते हैं कि पेन इज ओके, गुस्सा आना इज नॉर्मल, किसी से अगर किसी ने आपको कुछ गलत कह दिया या किसी ने कुछ गलत कर दिया तो उससे नफरत करना इज नॉर्मल, जो फियर है हमारे वो तो नॉर्मल है, ऐसा तो होता ही है। ये है हमारी सेपरेशन कॉन्शियसनेस फ्रॉम आर सोर्स, और हम इन्हीं के साथ जी रहे हैं। हम एक दूसरे से घृणा करते हैं, एक दूसरे के रिलीजन को गलत ठहराते हैं, हम सोचते हैं कि जब तक हम अपने से कुछ लोगों को अपने से नीचे नहीं देखेंगे, हम शायद ऊपर महसूस नहीं कर पाएंगे, या कई बार हम इस तरह की मानसिकता के शिकार हो जाते हैं। नॉट कई बार, आई थिंक इट्स वेरी कॉमन राइट नाउ कि हम अपने आप को सिर्फ प्रिविलेज्ड इसलिए मानते हैं क्योंकि कुछ हमारे पास, कोई एक अच्छी जॉब है, कोई एक अच्छा बड़ा घर है, या कुछ अच्छा कुछ कारें हैं, ये हम अपनी अचीवमेंट मानते हैं। इससे हम औरों को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, और हम वी वॉन्ट टू बिलीव, मेक देम बिलीव कि आप हमारे से इन्फीरियर हैं, एंड दिस इज अ बिग नो नो।
इन गॉड कॉन्शियसनेस। तो जब भी आपको और या आप किसी को अपने से इंफीरियर दिखाने की कोशिश करते हैं, इट मीन्स यू आर पुटिंग योरसेल्फ डाउन इन गॉड्स आई। तो इस तरह से माय डियर फ्रेंड्स, जो भी हमारे अंदर है, जो ये स्ट्रगल पावर हमारी चल रही है, यहां पर इससे हमें बाहर आना है, क्योंकि ये वो कस्तूरी नहीं है जिसको हम ढूंढ रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि सब चीजें होते हुए भी जिससे हमें लगा कि इससे हमें खुशी मिलेगी, इससे हमें पीस मिलेगा, इससे हमें जो है वो पावर मिलेगी, उतनी ही बार हम भटकते हैं। और ये एंजाइटी, स्ट्रेस, सो मेनी डिजीजेस, क्योंकि हमारी फिजिकल बॉडी कब डिजीज्ड होती है? जब हमारी इमोशनल बॉडी और मेंटल बॉडी डिजीज्ड होती है। ये सिर्फ सिम्टम दिखाती है। दैट इज व्हाई एवरी सेकंड पर्सन इज फिजिकली सिक राइट नाउ। और जब भी आप फिजिकली सिक होते हैं, यू लूज योर पावर। करना कैसे है? क्या है इसके अंदर से हमें निकलना कैसे है? और ये बहुत ही सिंपल है। हमें अपनी यूनिटी कॉन्शियसनेस में आना है, उस बूंद को समुद्र की, अपने समुद्र में वापस मिलना है, जहां वो पावरफुल है, जहां वो अबंडेंस में है, जहां उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। सो फॉर दैट You have to connect to yourself. आप अपने साथ बैठना सीखिए, अपने विचारों को देखिए कि आपके अंदर किस तरह के विचार चलते हैं, आप अपने आप को कितना शक्तिशाली और अपने आप को कितना निर्बल समझते हैं, कौन से वो एरियाज हैं जहां आप अपने आप को औरों से अलग मानते हैं। आप अपनी कितनी वर्थ समझते हैं? अभी पिछले कुछ टाइम से मैंने हर वीडियो में आप लोगों के साथ ये शेयर किया कि किस तरह की हमारा जो एक समुद्र मंथन चल रहा है, किस तरह से जो एनर्जी पोर्टल्स खुल रहे हैं, जो हमारे हायर बीइंग्स हैं, वो किस तरह से हमें हेल्प कर रहे हैं इन चीजों से बाहर निकलने के लिए। एंड दैट इज अ कॉल फ्रॉम सोर्स, कम एंड मर्ज विद मी, यू आर नॉट अलोन। और आप उसके साथ तभी मर्ज हो पाएंगे जब आप बाहर से अंदर आना सीखेंगे। और अंदर आने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा अपने साथ कनेक्ट करने के लिए, अपनी एक एक भावना को ध्यान से देखने के लिए, अपनी फीलिंग्स को चेक करने के लिए, अपने डर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, बिकॉज दैट्स नॉट वर्थ इट। इनफैक्ट जो हम सोचते हैं कि नॉर्मल है, वो एक इल्यूजन है। फियर इज एन इल्यूजन, पेन इज एन इल्यूजन, सफरिंग इज एन इल्यूजन, पॉवर्टी इज एन इल्यूजन। क्योंकि हमारी जो एग्जिस्टेंस है वो है लव, जॉय, अबंडेंस एंड गॉड कॉन्शियसनेस। ये हमारी सोर्स है और ये सब आपके अंदर है। जैसे जैसे आप अपने एनर्जी सिस्टम के ऊपर वर्क करेंगे, जैसे जैसे आप अपने साथ कनेक्ट होना सीखेंगे, आप अपने थॉट प्रोसेस को देखेंगे, आप अपनी फीलिंग्स को देखेंगे, आप अपने पैटर्न्स को, अपने बिहेवियर्स को पहचान पाएंगे कि आप एक पर्टिकुलर सिचुएशन में किस तरह से बिहेव करते हैं। बिकॉज मैनी टाइम्स व्हेन पीपल कम एंड यू नो टॉक अबाउट फॉर एग्जाम्पल अबंडेंस, देर आर सर्टेन एरियाज वेयर you know people are more concerned about their relationships, their finances and their health. In every time when I have interaction with them and when we start seeing the reality is aapki life mein wahi hai jisme aap believe karte hain,
अगर आप एक जॉब ढूंढने निकले हैं, आपके पास कितनी भी डिग्रियां हैं, लेकिन अगर आपका बिलीफ सिस्टम ये है आई विल नॉट गेट जॉब बिकॉज इट्स नॉट अवेलेबल फॉर एवरीवन, रिगार्डलेस व्हाट यू डू यू विल नेवर गेट अ जॉब। लेकिन अगर आप ये मानते हैं कि सबके लिए सब कुछ बराबर है, अबंडेंस में है, तो आपको किसी डिग्री की जरूरत नहीं है। यू विल बी डूइंग बेस्ट फॉर योर सेल्फ टू अर्न योर फाइनेंसेस। दिस इज ऑल योर बिलीफ सिस्टम व्हाट मेक्स यू हु यू आर। सो द पॉइंट इज, इफ आई सम अप दिस वीडियो, how to change your life, you can only change your life by connecting with yourself। कई बार हमें ऐसा लगता है कि you spend lots of time in watching videos, reading books, you know, gaining knowledge from all sources, you have lots of knowledge, but still your life won't change because you are not applying that knowledge. Talking about spirituality doesn't make you spiritual. Talking about knowledge won't make you, you know, ek jo person with wisdom. Aapki life tabhi change hogi jab aap ये स्टेप्स लेने शुरू करेंगे। जब आप उनको जितनी बार आपको गुस्सा आएगा आप रिजेक्ट करेंगे उसको कि नो दिस इज नॉट ओके, ये मेरी रियल स्टेट नहीं है। लेकिन जब तक आप ये समझते रहेंगे गुस्सा आना तो नॉर्मल है, ये तो आता ही है, तब तक आप 3D ह्यूमन कॉन्शियसनेस में रहेंगे। जब तक आप ये बिलीव करेंगे कि ह्यूमन बॉडी is not capable enough to achieve what it wants to, तब तक आप निर्बल शरीर के मालिक रहेंगे। जब तक आप जिस भी belief system से जकड़े रहेंगे, जब तक आप लोगों को अपने से ऊपर या नीचे मानते रहेंगे, उनको उनकी outer world से जांचेंगे, परखेंगे, तब तक आप गॉड की सेपरेशन कॉन्शियसनेस में रहेंगे। तब तक आप अपनी सोर्स के साथ कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, तब तक आप यूनिवर्सल फोर्सेस के रेजोनेंस में नहीं आएंगे। तो इट्स हाई टाइम, इफ यू वांट टू चेंज योर लाइफ यू हैव टू कम होम। कम होम मींस कम एंड कनेक्ट विद योरसेल्फ। कैसे आप सोचते हैं, कैसे आप समझते हैं, क्या आपका व्यवहार जो है वो किस तरह से आता है, जो आपकी ऑटोमोटिव मोड में जब आप जाते हैं तो जो आप रिएक्शंस हैं आपके वो कहां से आ रहे हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। और जैसे जैसे आप इनको समझेंगे आपके अंदर वो पावर होगी कि आप उसको चेंज कर पाएंगे। Yes, of course, you can't change everything overnight, but at least beginning होगी। और जब भी हम किसी काम को शुरू करते हैं, हमने इतने हजार साल इस separation consciousness को create करने में लगाए हैं, तो कुछ time we have to begin in unity consciousness. It's the beginning of unity consciousness, my dear friends, right now, whatever we are going through. और जब भी इस तरह के विचार आपके दिल में आए, आपके दिमाग में आए, जो आपको आपके सोर्स से अलग करते हैं, जो आपको वीक महसूस कराते हैं, जो आपको स्ट्रेस फील कराते हैं, एवरी टाइम यू हैव टू रिजेक्ट देम by saying no, this is not my real identity, and every time you will reject them you will win। aur jis fulfillment ko
जिस हैप्पीनेस को, जिस जॉय को हम बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, अपने किसी मटेरियलिस्टिक गेन में, किसी जॉब में, किसी रिलेशनशिप में, किसी सेंशुअल या सेक्सुअल प्लेजर में, किसी भी चीज़ में जो हमने बाहरी दुनिया बसाई है अपनी सेपरेशन कॉन्शियसनेस के साथ, वहाँ वो ये चीज़ें हमें नहीं मिल पाएगी। क्योंकि वो जो कस्तूरी है जिसकी खुशबू हमारे पास है, जो डिवाइन फ्रेगमेंट है जिसकी आइडेंटिटी, जिसकी यादें हमारे पास हैं, वो इन चीज़ों में कहीं भी नहीं है। वो इससे बहुत ऊपर है। वो जॉय, वो पीस, वो कामनेस, वो सेटिस्फैक्शन, वो अबंडेंस, वो एक डिफरेंट लेवल की सोर्स की अबंडेंस है, जो जिसके साथ हम अपने अंदर ही कनेक्ट कर सकते हैं, बाहर नहीं। सो दैट्स ऑल। इन एनी वे, एनी वन वॉन्ट्स टू यू नो गेट एनी काइंड ऑफ अ हेल्प, मैं जितना भी कर सकती हूँ, आई कम फॉरवर्ड एंड शेयर विद यू ऑल। बट आफ्टर दैट, इफ यू वॉन्ट टू हैव एनी काइंड ऑफ अ पर्सनल गाइडेंस, यू आर मोर देन वेलकम टू कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। जस्ट सेंड मी अ मैसेज एंड आई विल गेट बैक टू यू ऑन दैट। और अगर आप रेजोनेट कर रहे हैं वॉट एवर आई एम शेयरिंग विद यू, और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू सो, एंड यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली टू। सो लुक आफ्टर योर सेल्फ, लव योर सेल्फ एंड बिलीव इन योर सेल्फ, बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ गॉड। इनफैक्ट यू आर गॉड इन इट सेल्फ। आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।